क्या करने जा रहे हैं, मतलब एनआरओ ये कहते हैं एक एनआरओ आने वाला है, पीपल्स पार्टी उनको कह रही है, ताहिरुल कादरी आ गए हैं, लेकिन वो ये कह रहे हैं नहीं हम आवाम का समंदर लेके घर जाएंगे और बताएंगे आपको कि हमें निकाला गया भाई। नहीं वो तो खैर जरूर बताएं आवाम को, मेरे ख्याल आवाम को तो ऑलरेडी पता है कि आपको निकाला गया है और किस लिए निकाला गया है, इसमें तो कोई छुपी हुई बात नहीं। वो ना माने, वो दे हैव देयर मतलब पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि हम नहीं अग्री करते, मगर द फैक्ट इज के दे शुड बी नाउ मोर वरिड व्हाट इज कमिंग। अगर मैं इनकी जगह हूं तो मैं ये आवाम के पास जाने का इस वक्त कोई फायदा नहीं है, इस वक्त फायदा है कि आगे क्या आपके आ रहा है उसके बारे में आप फिक्र करें, बिकॉज दैट इज मच मोर सीरियस देन व्हाट हैज हैपेंड इन द सुप्रीम कोर्ट ऑन योर रिमूवल। क्या आ रहा है आगे? आगे तो कन्विक्शंस आ रही हैं, आगे तो अरेस्ट आ रहे हैं, आगे तो ऐसी खतरनाक चीजें आ रही हैं जो जो आप एनआरओ की बात कर रहे हैं, और अब एनआरओ किससे करना है? वो तो आपने एक डिक्टेटर से किया, एक डिक्टेटर आया लेके गया, ये तो आपका हाईएस्ट कोर्ट ने एक डिसीजन दिया है, उसके साथ आप कहां एनआरओ करने जा रहे हैं? तो दे मस्ट वरी अबाउट व्हाट इज कमिंग अहेड, उस पर कोई बात कर नहीं रहा, उस पर कोई सोच विचार हो नहीं रही। सिर्फ मैंने आज कुछ टीवी पे देखा था कि मियां साहब कुछ वकीलों के साथ बैठ के डिस्कशन कर रहे थे, पता नहीं उनको लेक्चर दे रहे थे या उनकी बात सुन रहे थे, आई डोंट नो, बट द फैक्ट इज इफ आई वर देम आई वुड वरी अबाउट